नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जेंट्स कुर्ते की बैंड बनाना सिखा रही हूँ। तो ये सिंपल सा कपड़ा लिया हुआ है, इसको फोल्ड करना है और ये 16.2 इंच इनके नेक का नाप आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको उतनी ही टैट्रोन लेके गोल गोल काट के इसको प्रेस से चिपकाना है, डबल कपड़ा रख के। अभी प्रेस से चिपका दिया है, इसको कैंची से काट दे। अभी चिपकाने के बाद इतना से इसको काट लेना है। इसके बाद इस कपड़े को एक साइड से इसे फोल्ड कर देना है, जितना कि टैट्रोन का टैट्रोन है। बाद गुलाई की तरफ जो है इसको सिलाई मारनी है, सिर्फ गुलाई तक, पूरी नहीं मारनी है। जो टैट्रोन के साइड साइड है उसके साथ ही गुलाई लगानी है। अब दूसरी साइड, इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट लो गुलाई में और इसको भी दूसरी साइड भी, और फ्रंट वाली साइड का कपड़ा फोल्ड कर दो ऐसे, और इसकी साइड में हाँ निशान के लिए सिलाई लगा दो। ये इसमें लगानी है, इसमें ये कपड़े में नहीं लगानी है, ये ओपन रहना चाहिए। वह जेंट्स कुर्ता है, इसका सेंटर करना है नेक का। ये टुक लगा दिया यहाँ पे, ऐसे ही सेंटर करना है बैन का सेंटर करना है और सेंटर से सेंटर मिलाना है। यस, इस तरह से इसमें पूरी सिलाई लगानी है। थोड़ा सा बिना इसके दिखाना था शर्ट, बिना बैन के दिखाना था ऐसे कि शर्ट कौन सी है, बाद में तैयार करके। ये देखो अभी तैयार नहीं है बैन, अभी लगा के हम आपको बताएंगे। अब इसमें ऐसे सिलाई लगानी है, ये अभी सेंटर है। फ्रंट कौन सी, अब पहले ये सेंटर से लगा रहे हैं। खींचना कोई कपड़ा नहीं है, बराबर एक साथ। इसी से पीछे मुड़ जाओ, डबल हो जाएगी सिलाई। नीचे कपड़ा रहे, कपड़े को साइड में करके
कपड़े को फोल्ड कर लो आगे से, ये जो कपड़ा है इसको बिल्कुल साथ में ये सक ले आओ। इसके बाद हाँ इसको सीधा कर दो और कपड़ा अंदर डाल के इसके ऊपर सिलाई मार दो। ये सीधी साइड है, सीधी साइड से इसको कपड़ा उधेड़ना पड़ेगा। इस तरह से सारी वैन कंप्लीट हो गई है। इस तरह से कुर्ते का वैन जो है ये पूरा लग के तैयार हो गया और ये जेंट्स कुर्ता तैयार हो गया। देखो वैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।